रिक्वायर्ड सेटिंग के लिए ये देखिएगा, ये सेट यानी ये पहला वाला बटन और ये रीसेट तीसरा वाला बटन, ये दोनों को एक साथ में आपको दबा के रखना है ऐसे। LOCK लॉक ऐसा पूछ के आएगा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो को ये तीसरे नंबर के बटन से ऊपर की तरफ 15 लेके जाना है। ये 15 हो गया, इसके बाद में वापिस ये पहला वाला बटन सेट का दबाइए, RTD.1 ऐसा लिख के आएगा, वापिस ब्लू बटन दबाइए, LSPL 0, HSPL 300, ऑफसेट, ये सारी जगह पे आपको ये ब्लू बटन आगे बढ़ाते हुए ये PID में, ये हीट के लिए, फिर SSR आएगा, इसको भी ब्लू बटन दबाइए। ये सारे पैरामीटर में आपको सेट बटन दबाना है, SP1 अनेबल। अभी यहाँ पे सोक आया है ना, टाइम वाला एप्लीकेशन है, खास ध्यान रखिए आउटपुट टू सोक है उसको ये वाले डाउन की से पहली बार दबाएंगे अलार्म हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे ऑक्सिलरी AUCN, बस ये वाले पोजीशन पे इसको ओके कीजिएगा, फिर बाकी का सारा चीज़ आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। ये आप आ गए हैं बाहर, अभी आपका SP1 है 105 और SP2 आपका कोई भी, यानी आप इसको ज़ीरो या कोई भी वैल्यू पे सेट करके रख सकते हैं। अभी आप जैसे यहाँ से बाहर आएंगे तो आपको नीचे 105 आपका सेट वैल्यू दिखेगा और ऊपर की तरफ 34.5, क्योंकि ये मेरा सेंसर अभी रूम टेम्परेचर पे है, ये कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए इसका 34 दिखा रहा है। तो आपका रिक्वायरमेंट जो था, नीचे आपको सेट वैल्यू दिखना चाहिए और ऊपर प्रोसेस वैल्यू, ये हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा आपको सेट टू जो है उसको ऑक्सिलरी AUCN ऐसा करके लेना है, ठीक है ना? ना समझे तो वीडियो दूसरी बार देख लीजिएगा।